अस्सलाम वालेकुम आदाब। 19 जून को केसीआरजी एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग करे जिसमें ये डिस्कस किया गया कि लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाएगा। 21 जून से जो है जूनियर कॉलेजेस शुरू होंगे और 1 जुलाई से सारे इंस्टीट्यूशनल अदारे जो हैं वो ओपन होंगे। मैं केसीआरजी से ये पूछना चाहूँगी कि आप स्कूल वालों को कुछ गाइडलाइंस इश्यू करें क्या? ये पैंडेमिक सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स क्या होंगे? क्लासरूम में बच्चे कैसे रहेंगे? शॉर्ट ब्रेक्स में बच्चे कैसे रहेंगे? स्कूल बसेस में बच्चे कैसे ट्रेवल करेंगे? इन सब बातों पर तो आप चर्चा ही नहीं करें, बस ऑर्डर दे दिए कि 1 जुलाई से जो है स्कूल शुरू होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू होंगे। साथ ही में 3rd वेव आने वाली है। एम्स के सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन वो सब मद्देनजर रखते हुए आपकी तरफ से ना कोई गाइडलाइंस इश्यू हुई है, आपकी तरफ से ना ही कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स इश्यू हुई हैं। पहले ही जब 2nd वेव आई थी, आप लोग शुरू से बोलते रहे कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर अचानक से आप लॉकडाउन करें। आप उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचे जो रोज कमा के खाने वाले गरीब आवाम हैं, उनकी जिंदगी कैसे बसर? उसके बाद आप चालान लेना शुरू करें, गाड़ियां सीज करनी शुरू करें, तेलंगाना की आवाम के ऊपर एक से एक बोझ डालने लगे, और अब आप पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, विद इन अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ टाइम 10 डेज में आप कह रहे हैं पेरेंट्स को कि आप स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल फीस, बुक्स, बैग्स, शूज, सॉक्स का इंतज़ाम करें। तेलंगाना की आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगी कैसे? और आपकी तरफ से 1 रुपए का राहत नहीं, कोई वेलफेयर स्कीम नहीं लागू हुई तेलंगाना की आवाम के लिए, गरीब के लिए। उल्टा आप उनको लूटते रहे, उनकी गाड़ियां सीज करते रहे, चालान वसूल करते रहे। उसी तरह आप प्राइवेट स्कूल वाले भी लूटेंगे पेरेंट्स को, जिस तरह आप लूटते रहे, आपकी सरकार लूटती रही है। आखिर कितना जुल्म ढाएंगे आप तेलंगाना की आवाम के ऊपर? मेरी आपसे ये डिमांड है, अनटिल एंड अनलेस आपकी तरफ से हमारे को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, हम अपने बच्चों को तब तक स्कूल नहीं भेजेंगे। क्योंकि 3rd वेव के जब चर्चे हो रहे थे, तभी बोला गया कि 3rd वेव में 18 साल से नीचे तक के बच्चे जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है तेलंगाना की आवाम जो है अपने बच्चों की बलि देगी, सैक्रिफाइस करेगी, मौत के कुएं में डालेगी? नहीं, तेलंगाना की आवाम पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। 2nd वेव में बहुत ही अजीज लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, बेड्स अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी थी, और आपकी तरफ से कोई भी राहत नहीं थी। लेकिन आप अपने एडिशनल कलेक्टर्स के लिए 10 या 12 करोड़ की गाड़ियां खरीदे, क्या उन गाड़ियों को उनकी जरूरत थी अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में, जबकि ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ तेलंगाना इज सफरिंग,
इज फेसिंग क्राइसिस, लेकिन आपके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही, लोगों की आह पुकार सुनाई नहीं दे रही, आप सिर्फ अपने मुफाद के लिए खर्चा करते हैं। नागार्जुन सागर में इलेक्शंस थे वहां आप पैसे खर्च करें, जहां पे बाय इलेक्शंस थे वहां आप पैसे खर्च करें, लेकिन तेलंगाना की गरीब आवाम के लिए आप एक रुपए का खर्चा नहीं करें। मेरी तेलंगाना की आवाम से ये गुजारिश है कि आपको जब तक तेलंगाना की गवर्नमेंट से दिल मुतमईन जवाब न मिले, आपकी बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर स्कूल्स को रीओपन करने के लिए, आप तब तक अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। शुक्रिया।